गुरुवार को कश्मीर में ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों पर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। आईपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। समलैंगिकता के पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा SC ST एक्ट में किए गए संशोधन के विरोध को लेकर कुछ स्वर्ण संगठनों द्वारा आज भारत बंद बुलाया गया था। बंद के समर्थन में जम्मू में भी स्वर्ण जाति के संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चलाई गई आयुष्मान भारत का जम्मू में पायलट लॉन्च कर दिया गया। बता दें, इसके तहत BPL परिवार के लोगों को स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। 25 सितंबर को इसको पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी MLC गिरधारी लाल अपनी ही पूर्व बीजेपी PDP की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। गिरधारी लाल ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घरों, मंदिरों और जमीनों पर सरकार ने और भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जम्मू में आज बछ बारस का पर्व मनाया गया। बता दें, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को पड़ने वाले इस उत्सव को वत्स्य द्वादशी या बछ बारस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। कश्मीर में SSA के अस्थाई शिक्षक भूख हड़ताल पर चले गए। गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि विभाग ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। बता दें, SSA शिक्षकों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी किया जाए। राज्य खाद्य सुरक्षा सचिव ने आज कश्मीर में फूड लैब का दौरा किया। इस दौरान सचिव ने लैब की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया और लैब को और दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कश्मीर में बाइक चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बता दें, कश्मीर में DM द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना हेलमेट किसी भी बाइक चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाए। एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर झूठी साबित हुई। दरअसल कुछ दिन पहले अविनाश कॉल के ट्वीट अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट पर चाइल्ड केयर होम्स की हालत बड़ी खस्ता है। लेकिन इस मामले की तह तक जाने के बाद पता चला कि जैसा ट्वीट में लिखा गया था वो सरासर गलत है, क्योंकि चाइल्ड केयर में सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं।